सो गाइस आज के समय में मार्केट में कोई एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आज के समय मिलने वाले लगभग सारे स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर उन सारे स्मार्टफोन्स के साथ में हमको उनका एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है जो कि अलग अलग लाइक यहाँ पर बात करें 15 वॉट 20 वॉट 30 वॉट 35 वॉट 60 65 100 वॉट 120 वॉट तक के चार्जर्स भी हमको उनके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है जहाँ पर दोस्तों हमको अपने स्मार्टफोन को किसी एक दूसरे चार्जर से चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों लेकिन हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारा स्मार्टफोन, मानते हैं कि हमारा स्मार्टफोन 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर हम किसी 60 वाट के चार्जर में हमारे स्मार्टफोन कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या हमारे स्मार्टफोन को नुकसान हो सकता है, क्या उसकी बैटरी डैमेज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर तो 60 वाट का फास्ट चार्जर और हमारा स्मार्टफोन तो सिर्फ 30 वॉट ही सपोर्ट करता है, तो इस सिचुएशन में आखिर होगा क्या और यदि हमारे साथ ऐसी कभी सिचुएशन बनती है तो हमको करना क्या चाहिए, आज की वीडियो में इसका हम बात करने वाले हैं। आपको जानना है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए और साथ ही दोस्तों आपको मेरे चैनल कॉन्टेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो वैसे यदि हम बात कर रहे हैं फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली Xiaomi यहाँ पर लेके आया है अपना 200 वाट का फास्ट चार्जर जहाँ पर दोस्तों ये एक 4000 mAh वाले स्मार्टफोन की बैटरी को सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में फुली चार्ज कर देगा 0 to 100%। तो यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी मतलब फास्ट चार्जिंग तो बहुत आगे जा रही है। ये दोस्तों वायर चार्जिंग का मैंने आपको बताया, यदि हम बात करें वायरलेस चार्जिंग का तो वो भी दोस्तों यहाँ पर 120 वाट की वायरलेस चार्जिंग सामने लेके आया जहाँ पर दोस्तों ये 0 to 100% सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में वायरलेसली स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा जिसकी कैपेसिटी होती है 4000 mAh की। तो यहाँ पर दोस्तों यदि फास्ट चार्जिंग की बात करें तो डेफिनेटली बहुत आगे जा रही है टेक्नोलॉजी, लेकिन दोस्तों क्या हो कि यदि हम इसके 200 वॉट के फास्ट चार्जर को एक 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन में कनेक्ट कर दें तो इस केसेस में दोस्तों क्या होगा, क्या हमारा स्मार्टफोन यहाँ पर बर्नआउट हो जाएगा, उसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी या फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो इसका दोस्तों सिंपल सा मैं आपको आंसर देता हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन को चाहे वो कितने भी वोल्टेज की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, उसको किसी भी फास्ट चार्जर से चाहे वो कितने भी वॉट का फास्ट चार्जर हो, उससे आप बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। इससे आपका स्मार्टफोन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आप सोचें कि इससे आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाएगी या कुछ आपके फोन डैमेज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपका स्मार्टफोन के साथ जो चार्जर आया था उसका आउटपुट वोल्टेज जितना है उतना ही वोल्टेज जिस भी चार्जर से आप अपने फ़ोन को चार्ज करने वाले हैं उसका होना चाहिए। वोल्टेज कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए आपके स्मार्टफोन के साथ आने वाले चार्जर की और जिस चार्जर से आप कनेक्ट करने वाले हैं उस चार्जर की, दोनों की वोल्टेज रेटिंग समान होगी, सेम होगी, तो आपके फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। जनरल दोस्तों ये यदि हम वोल्टेज की बात करें तो ये यहाँ पर 5 वोल्ट ही रहता है अप्रोक्स, मतलब स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है USB का, जो कि दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी में सेम ही रहता है अप्रोक्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप बस वोल्टेज लेवल को चेक करें, बाकी किसी भी फ़ोन को किसी भी चार्जर से कनेक्ट कर दें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जरूर से क्लियर कर दूँ कि यदि आपका स्मार्टफोन मान लेते हैं कि 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यदि आप उसको किसी 60 वॉट के मतलब कि 60 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो यहां पर आपका स्मार्टफोन उस 60 वॉट के जितना मतलब तेज फास्ट चार्ज नहीं होगा। यहां पर आपका स्मार्टफोन भले ही 60 वॉट वाले चार्जर के साथ में कनेक्ट है लेकिन आपका स्मार्टफोन की जो कैपेसिटी है वो 30 वॉट की है, 30 वॉट की है, तो उसकी चार्जिंग स्पीड भी 30 वॉट के हिसाब से ही रहेगी भले ही आप वहां पर कितने भी वॉट का फास्ट चार्जर लगा दें। आपके फोन को नुकसान तो नहीं होगा, यदि वोल्टेज रेटिंग समान होती है तो नुकसान तो नहीं होगा, बाकी दोस्तों आपकी चार्जिंग स्पीड आपके फोन की मैक्सिमम जो भी चार्जिंग जितने भी वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है उतनी ही आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों यदि ऐसा हुआ कि यदि आपके स्मार्टफोन के साथ जो चार्जर आया उसका आउटपुट वोल्टेज मान लेते हैं कि वहां पर 5 वोल्ट है लेकिन आपने किसी एक ऐसे अडाप्टर में अपने फोन को कनेक्ट कर दिया जिसका आउटपुट वोल्टेज मान लेते हैं कि 9 वोल्ट है तो डेफिनेटली आपका स्मार्टफोन यहां पर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बस आपको दोस्तों दोनों के आउटपुट वोल्टेज को ही मैच करना है, इसके अलावा आपके फोन को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आंसर मिल गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन
दोस्तों अप्रॉक्स बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, सबके दिमाग में चलता है जब वो अपने स्मार्टफोन को किसी अदर चार्जर के साथ में चार्ज करते हैं तो सबके दिमाग में चलता है कि भाई हमारे स्मार्टफोन ख़राब ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा वोल्टेज का फास्ट चार्जर है तो हमारे स्मार्टफोन की बैटरी को नुकसान हो। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि चार्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, उसी के साथ साथ हमारे फ़ोन में जो पूरा प्रोटेक्शन है चार्जिंग का वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ऐसा कुछ कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।